यीशु परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं इस दिन। आज हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 व संख्या 1। लाभ के लालच में बहुत लोगों ने पाप किया, और जो धनी बनना चाहता वह आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है लाभ के लिए बहुत पाप किया जाता है, और जो धनी बनना चाहता है वो आज्ञा का पालन नहीं करता, क्योंकि जल्दी धनी बनने के लिए हमें आज्ञा तोड़ना पड़ता है, गलत काम में उतरना पड़ता है, और वचन वो नहीं चाहता। हम दूसरे से लाभ लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, दूसरे से लाभ निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए उसको सुंदर सुंदर चीज कहेंगे, प्यारा प्यारा चीज कहकर अपना काम निकाल लेंगे, और जब अपना काम निकल जाता है हम उससे पूछते भी नहीं है। हम पाप करते रहते हैं अपने फायदा के लिए, हम स्वार्थी मनुष्य, क्योंकि हम हमेशा अपने अनुसार चलते हैं, अपने जीवन के अनुसार चलते हैं। हमें अच्छा चीज चाहिए, बेहतर चीज चाहिए, भले उसके लिए हम पाप कर ले, फिर अंत में कहते हैं अरे प्रभु चलता तो है, जब प्रभु आएगा तब देखेंगे। मेरे भाई और बहनों, ये सब पाप है, वचन कह रहा है। पैसा कमाने के लिए हम दूसरे को ठग भी सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है ये सब गलत है, क्योंकि परमेश्वर जब देता है वो सही समय में हमें देता है। हमारे लिए हर समय सही समय है, क्योंकि हम परमेश्वर के आगे के अनुसार नहीं चलते, हम उसकी योजना को नहीं जानते, तो इसलिए हर समय हमारे लिए सही समय कि नहीं, मुझे अभी पैसे की जरूरत है, अभी चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए। लेकिन परमेश्वर जानता है कि सही समय में देने से उस चीज का लाभ उठेगा, सही समय में देने से वो फल पूर्ण रूप से बाहर निकल कर एक पेड़ बनेगा। मेरे भाई और बहनों, हर एक पेड़ उसका सही समय जानता है फल उत्पन्न करने के लिए। उसी प्रकार परमेश्वर के राज्य में भी परमेश्वर जानता है कि हमें क्या चीज कभी देना है, क्योंकि अगर हम तैयार नहीं है वो उस चीज को अगर परमेश्वर हमें देगा तो उस चीज का हम व्यर्थ करेंगे। अगर हम तैयार है तो वो चीज हमें मिलेगा, तो पूर्ण रूप से हम उस चीज का सही इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि हम तैयार है। आज वचन कहता है कि तुम मतलबी या स्वार्थी मत बनो, क्योंकि हम हर चीज हमें लगता है कि अभी चाहिए, इंस्टेंटली चाहिए, मैगी नहीं है। परमेश्वर का राज्य के 2 मिनट में परमेश्वर पका के चमत्कार दे देगा, नहीं, परमेश्वर समय जानता है। तो आज मेरे भाई और बहनों, हम जितने भी स्वार्थी है, जितने भी मतलबी है, आज वो सब चीजों के लिए हम माफी मांगेंगे। इस समय हम अपने आंखों को बंद करके अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे। हे पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए धन्यवाद देते, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते। तेरा वचन कहता है परमेश्वर के दूसरे का फायदा उठाने के लिए लाभ मत करो, स्वार्थी मत बनो, अमीर बनने के लिए गलत कार्य मत करो, ये सब पाप है। परमेश्वर तू जानता है कि हमारे लाभ के लिए हमने कितने लोग का फायदा उठाया, हमारे स्वार्थ के लिए हमने कितने लोग को नीचे गिराया है। परमेश्वर, तेरे राज्य में कार्य करते हुए भी हमने लोगों का फायदा उठाया, तेरे राज्य में जीते हुए भी हमने दूसरे से फायदा उठाया, झूठ बोला है, पैसा कमाने के लिए किसी भी हद में चले गए, तेरे नाम को परमेश्वर हमने बेचा है, ये सब चीजों के लिए आज हम माफी मांगते हैं। तेरे लहू से परमेश्वर हमें पूर्ण रूप से शुद्ध कर, तू क्या चाहता है परमेश्वर वो हमारे जीवन में हो, और यही प्रार्थना परमेश्वर आज तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं। आमेन। जय श्री।